चाहिए हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मुझे बस से खुद को बोलना था बिकॉज लुक एट दैट आई शैडो, एक अच्छा लुक पहली बार क्रिएट किया है मैंने। हाँ हॉल आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, सो टू ऑल द न्यू अमेजिंग फैमिली मेंबर्स जिन्होंने हमें लॉकडाउन में जॉइन किया है, वेलकम टू आवर ज़िवामे हॉल सीरीज बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी डू दिस एंड फाइनली वी आर बैक विद अनदर वन। दिस टाइम आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीसेस क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है फ्रॉम द लास्ट टाइम टू दिस टाइम, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बतानी थी वो थी स्टैंडिंग टीइंग थिंग विच इज कॉल्ड पी बडी। तो जो चल रहा है उसके वजह से जो सारे पब्लिक थंडरिंग हो रही है, तो वायरस की वजह से जो सारे पब्लिक वॉशरूम्स है वो सारे के सारे बंद है। यू नो दैट वी वर्किंग ऑन अ वेरी सीक्रेट प्रोजेक्ट, तो उसके चलते आई हैव हैड टू गो फॉर सो मेनी मीटिंग्स एंड एवरी सिंगल टाइम मुझे वॉशरूम की इतनी प्रॉब्लम हुई है। सो फार द ओनली प्लेसेस जहाँ पर मैं जा पाई हूँ वो है स्टारबक्स एंड मैकडोनल्स, एंड इवन देयर आई वुड जस्ट फील मच मोर कम्फर्टेबल जब मैंने कैरी किया। ऑलरेडी फिनिश वन पैकेट, सो दिस इज माई सेकेंड वन, आई शो यू हाउ इट वर्क्स। एंड वो भी सारे मैकडोनल्ड्स और सारे स्टारबक्स अलाउ नहीं करता, आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है, इट्स वेरी अर्जेंट। लाइक फॉर फीमेल्स एटलीस्ट वॉशरूम जाना हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो इसमें से ये ऐसे फ्लैट निकलता है एंड इसको ऐसे खोलना रहता है, सो यू होल्ड इट डाउन एंड देन यू कैन पी व्हाइल यू आर स्टैंडिंग, सो दैट आपका बॉडी ना कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा विद द टॉयलेट सीट। सो आप काफ़ी सेफ रह रहे हो, आप काफ़ी दूर रह रहे हो विद द पब्लिक वॉशरूम। सो दिस हैज बीन अ लाइफ सेवर। ओके, सेकेंड थिंग इज अ वेरी वेरी बेसिक ब्रा एंड दैट्स बिकॉज 3 months ऑफ अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल has changed my body measurements a lot, so I had to buy my essentials again but in my new size. I use the Zivame fit code, it's very easy, bas thode se simple questions answer karne hote hain and you can find out your correct size, because correct size ka lingerie pehna is so freaking important and I like white ones, ekdam mast feeling, classy feeling deta hai. But you know me, as much as I like simple, I love funky lingerie and staying true to that style, मैंने ये innerwear order किया and if you watched my last Zivame haul, you know I already have the matching bra to this. So this is a very very high waisted innerwear, but this is not it. I have this matching bralette also. तो इसमें ना padding नहीं है, इसमें cups नहीं है, so it's very comfortable to wear at home. Because I still don't go out every single day. I'm going out only when it's absolutely essential and when I have some work. Otherwise, I'm staying at home. So these kind of bras are so comfortable and so easy to wear at home. Plus, it's a matching set. नेक्स्ट इज समथिंग जिनको वो खड़े रह के पी करना कंफर्टेबल नहीं लगता, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम, मुझे थोड़ा टाइम लगा था एडजस्ट होने के लिए। तो अंटिल देन आई वॉज यूजिंग द स्प्रे बाय पी सेफ, दिस इज क्वाइट फेमस, बट पर्सनली मैंने ये वायरस के टाइम पे फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है। तो इट्स अ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे, अगर आपको बैठना ही पड़ेगा, लाइक अगर पूप करना होगा तो बैठना ही पड़ेगा, तो ये स्प्रे भी हैंडी रखो प्लीज़, लाइक बी सेफ एज मच एज यू कैन। तो दिस इज अनदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम ज़िवामे। Before you ask one, I'm going to answer your question ki what kind of lingerie do I wear under these kind of tops, strappy tops jisme thoda sa fanciness hota hai, like aisa back wagera jahan pe rehta hai, you know all this. So usually I wear a strapless bra and a bright colorful one is just really happy thing to wear, especially to work, because abhi to main aise pehen sakti hu, but when I have to go for meetings for this speaker project, a bright bra like this, it really lifts my confidence. Especially what I like is they're very seamless, they can easily be worn under t-shirts and all, like even in this top you absolutely cannot see any lines, so that's what we want from a lingerie. As you know,
मम्मी का बर्थडे अभी अभी गया है बट हर गिफ्ट्स आर स्टिल कमिंग इन एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली आई बॉट हर दिस नाइट गाउन. रिमेंबर वो पिगलेट वाला नाइट गाउन खरीदा था हमने बहुत टाइम पहले. She wears that every single day and the same gown. So I really want her to have options. So I got this one for her. It is so cute. And let's be honest, घर पे बैठे बैठे सब चड्डे में ही रहते हैं. तो it's very important to have good, comfortable lounge wear. And especially since this is printed, you don't compulsorily have to wear a padded bra. इसमें कुछ दिखता नहीं है. We love that. Next, completely unnecessary item but a very very cute one, which is why I could not help but buy it, were these socks. First, look at the print. Now you tell me, how should I not buy it? How should I not get them? So I just convinced myself ki abhi hum bahar ja hi rahe hain meetings ke liye, to aise ek aadha socks ek jodi le liya to chalega. These have rubber lining on the inside, so they don't slip off from my feet and my feet are very very sensitive. Bahut jaldi shoe wet ho jata hai, to ek socks le liya yaar maine. One of the most important things ye pure haul mein are masks. I am really into reusable masks because already kaafi kami hai, so I don't want to be using 50 masks myself in 2 months. So I ordered one pack of 3, ye teen ek sath aaye the, and one pack of 2, ye dono ek sath aaye the. To ye filter wale hai and these are cotton ones, one for me, mom and dad. And what I like is ये सारे अलग कलर्स हैं ना, तो मिक्स नहीं होते. तो जो रेगुलर वाले हैं ना, उनमें हमने HD और K लिखा है टू डिफ्रेंशिएट कि एक दूसरे का मास्क हम ना पहने. एंड सिंस दिस इज डिफरेंट इन कलर, ऑलरेडी चूज हो चुका है. मम्मी ने सबसे पहले सबसे कलरफुल वाला ले लिया है. ये व्हाइट वाला मेरा है एंड ये पिंकिश ऑरेंज डैड का है. Next up is this beautiful sweatshirt. You know I love sweatshirts and that too pastel colors. So ये तो लेना ही था. तो how I convinced myself to buy this was कि lockdown में ज़्यादा कुछ workout हुआ है नहीं. तो let's get new workout clothes and that should somehow motivate me to work out. So that's how I convinced myself. I think this one is from Zelocity. ये Zivame का ही in-house brand है for great workwear stuff. So the sports bras, leggings, shorts, top wear, everything. Should I just wear this on this? Yeah, let's do that. Comfort, aisa lagta hai ki someone is hugging me. Kyunki this is just so comfortable. Oh, we match the vibe of the wall. Arre wah, mast lag raha hai. Main isko pehen ke rakhti hu. Last bra that I bought was this cotton one, again for home, because ghar pe I don't like wearing wired and padded stuff a lot. So this is cotton, no wire, no padding, and it's just very 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 comfortable. Actually my mom loves these a lot more, to a point where she took mine also. Like same size hone ka yahi fayda aur nuksan hota hai ki sab ek dusre ke kabat mein rehta hai. So I got one more, and if she takes this one to I'll just order more. बस लिंगरी में इतना ही था. थ्रू आउट माई चाइल्ड हुड मेरे को लिंगरी ही आता था. लॉन्जरे बहुत बाद में ही सीखा मैंने कि अच्छा दिस इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन. तो आई ऑर्डर्ड एन इंटीमेट वॉश. इट डज गेट टू योर हेड, यू नो यू वॉन्ट टू बी एज केयरफुल एंड एज हाइजीनिक एज पॉसिबल. तो मैं पहले बड़ा यूज करती थी, बीच में मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया कि ठीक है नॉर्मल साबुन से धो लेती हूँ. बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस अगेन, व्हिच इज व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस वन. And I also ordered panty liners because घर पर रहते रहते I had the freedom to change my innerwear as many times as I wanted. But बाहर रह के आई एम नॉट गोना एग्जैक्टली गेट दैट फ्रीडम. सो पैंटी लाइनर्स डू बिकम एन एसेंशियल जस्ट लाइक मास्क एंड एवरीथिंग एल्स. एक खोल के बताती हूँ. सी इट्स सो टाइनी, छुटके आए एकदम. ऐसा है एक लास्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस शू बैग. मैंने एकदम रेगुलर कपड़े वाला बैग रखा है घर के बाहर ताकि जब मैं बाहर से आऊँ तब मैं शूज वो बैग में डाल के लेके आऊँ. बट दिस इज अ डेडिकेटेड शू बैग, तो दिस इज व्हाट आई गॉट इट फॉर कि जब मैं बाहर जाऊंगी और बाहर से वापस आऊंगी तब शूज इसमें ही डाल के अंदर लाना है. आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग एनी आउटसाइड थिंग बैक एट होम. तो बस यही था मेरा Zivame हॉल. आई होप आपको ये पसंद आया, मजेदार लगा, हेल्पफुल लगा. एंड इफ यू आर अ न्यू यूजर यू कैन डेफिनेटली यूज माई कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड फॉर
all my lovely people who are going back to office, who are going back to work, all the very best. All my love to you. Be safe. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye. I'm in a very filmy mood today. बस ऐसे जैसे तो बारिश हो रहा था ना, तो बारिश वेरी रोमांटिक वेरी फिल्मी मस्त. मैंने बारिश की वजह से ही मैंने ये लुक ट्राई किया. इट रियली इंस्पायर्ड मी कि चलो कुछ नया करते हैं. एंड देन आई वेंट इन द बालकनी एंड बिकते बिकते मैंने बस फोटोशूट किया, व्हिच इज़ व्हाई माय हेयर लुक्स लाइक दिस. बट आई लाइक इट, इट्स अ वेरी सेक्सी लुक एज इफ हम अभी बारिश में भीग के वीडियो बना रहे हैं. ओके, बैक टू द हॉल.